नमस्कार, सुप्रभातन, गुड मॉर्निंग। मैं रणदीप फिर से आप लोगों के साथ हिंदी में वार्तालाप करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में जितना व्यूवर्स होगा सोचा था उतना हुआ नहीं, तो थोड़ा डिस्करेज हो गया हूँ। फिर भी आप लोग नाराज मत होएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आप लोग गिने चुने हो, फिर भी आप लोगों के पास मेरा मैसेज आने से ही मैं धन्य हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आज का दिन तो रविवार है, इसलिए आज का दिन रहेगा फुल ज्ञान का दिन। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द इरा ऑफ सुकाफा, जो कि हमारा आहुम डायनेस्टी का फाउंडर था। ये कहानी आप लोगों को बहुत दिन पहले तक ले जाएगा और आप लोगों को सुकाफा के समय तक पहुँचा देगा। मेरा ड्यूटी है बोलना और आप लोगों का ड्यूटी है हेडफोन लगाना, ताकि मेरे आवाज़ अच्छे से सुनाई दे सके आप लोगों को। ये स्टोरी है फ्रॉम द पार्ट टू ऑफ द राइज ऑफ आहुम किंगडम दैट वाज रिलीज प्रीवियस संडे। दिस वीडियो इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पार्ट। सुकाफा वाज बॉर्न टू ए फैमिली हुज ओरिजिन वाज फ्रॉम यूनान प्रोविंस ऑफ प्रेजेंट चाइना। ये बिलीफ रखता है कि उसका पेरेंट्स सुप्रीम लीडर फा का डिसेंडेंट्स था। अभी सुप्रीम लीडर कौन है इसको जानने के लिए मेरे पहले वाला वीडियो देखिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। ऐसा माना जाता है कि उसका पापा का नाम था मुंग माओ, जो कि आजकल के ज़माने का यूनान प्रोविंस का राजा था, और उसका बेटा था सुकाफा। सुकाफा के साथ और कई ब्रदर्स थे। तो एक बार सुकाफा का डिस्प्यूट अपने ब्रदर्स लोगों के साथ हुआ, तो फलस्वरूप उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन आते वक्त उसने सोमदेव को भी चोरी करके लेके आया। सोमदेव एक आइडल है जिसको उस जमाने का लोग बहुत रिस्पेक्ट एंड वर्शिप करते थे। वो अपने कंट्री से भाग के असम की तरफ आया, और असम में आके उसने आहुम डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। इसलिए असम के गांव में आज भी आहुम लोगों को बाघी के जैसा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुकाफा ने अपना चाइनीज राज्य छोड़ा था अराउंड 1215 एडी के दौरान। आते वक्त उनके साथ लाया था 8 मिनिस्टर, 9000 जनता, 2 हाथी और 300 घोड़े। 13 साल वो घूमता ही रहा असम के चारों तरफ। कभी कभी वो नागा गांव में अपना जरूरतें पूरा करने के लिए आक्रमण भी करते थे। बहुत घूमने के बाद फाइनली वो खमजांग में सेटल हो गया। खमजांग आजकल का तिनसुकिया, जोरहाट, गोलाघाट, शिवसागर और अरुणाचल प्रदेश में गिरता था तब। सुकाफा जब भी खमनमजांग नदी क्रॉस करके नागा लोगों का टेरिटोरी कब्जा करने जाते थे, तब नागा लोग भी अपना पावर दिखा के सुकाफा को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन उन लोगों का कोशिश नाकाम जाते थे, क्योंकि सुकाफा का अटैक बहुत यूनिक और दमदार होता था। नागा लोगों को कैप्चर करके सुकाफा बहुत टॉर्चर करते थे। ऐसा बोला जाता है कि नागा लोगों को मार के जला के अपने फैमिली मेंबर्स को उसका मांस खाने देते थे। सोचो, इतना अत्याचारी थे वो। लेकिन सच क्या था, झूठ क्या था, किसको पता। सुकाफा का अटैक इतना दमदार, जबरदस्त, यूनिक और खौफनायक होने के वजह से सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का राजाओं ने खुद को आहुम डायनेस्टी के अंदर स्वीकार लिए। सुकाफा ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में रूल किए, लेकिन कोई भी एक पार्टिकुलर जगह पे रुके नहीं, क्योंकि पहले बहुत फ्लड होता था, तो फ्लड के दौरान ही उनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ता था। इसलिए आहुम डायनेस्टी में फ्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करते हैं। सुकाफा के रूलिंग के दौरान मोरांस का पोजेशन चल रहा था, जिसका राजा का नाम था बदनचा। बदनचा के बाद आया राजा तखुमता। मोरान कम्युनिटी आज भी सेपरेट माना जाता है भारत में। सुकाफा इन छोटे छोटे कम्युनिटी को डिफीट करके अपने राज्य के अंदर लाए। बाद में सबको यूनाइट करने के लिए सुकाफा ने बहुत सारा नया सोच लाया एज ए गुड रूलर, लाइक इंटरकास्ट मैरिज, इक्वल राइट्स, वुमेन सेफ्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुकाफा ने कभी भी उन नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राजाओं का पावर या गद्दी नहीं चिना। उसके बदले उन लोगों के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिश्ता मेंटेन करने के लिए कभी कभी पार्टी में भी बुलाते हैं उन लोगों को, और कभी कभी खुद भी जाते थे, और कभी कभी गिफ्ट्स भी देते हैं, जैसे चोना, चांदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली इन द ईयर 1268 AD
70 प्लस के एज में सुकाफा का मृत्यु हुआ ओल्ड एज सिंड्रोम के वजह से। सुकाफा को आज भी बहुत लोग रेस्पेक्ट देते हैं और अहम लोगों के बीच में उनका नाम अभी भी बहुत ऊंचे लेवल में है। सुकाफा के जाने के बाद उनका बेटा सुतियुफा ने रूल किया 13 साल और मर गए 1281 AD में। सुकाफा का बेटा अपने रूल में अपना टेरिटरी को बढ़ा नहीं सके। उसके बाद आया सुबिनफा जो सुतियुफा का बेटा था और रूल किया अप टू 1293 AD तक। उसी दौरान अहम डायनेस्टी का ऑफिशियल्स का भाग हुआ जहाँ पे बूढ़ा गुहाएँ और बौर गुहाएँ बोल के आदमी लोग का सेपरेशन हुआ। उसके बाद अहम डायनेस्टी का रूल चलता रहा बहुत सालों तक। पास वाला राज्य अटैक नहीं कर पाते थे क्योंकि रिप्लाई अटैक हमेशा दमदार और खौफनाक होते थे जो कि दूसरा राज्य एक बड़ा सा जंगल के लिए नहीं करते थे। लेकिन फिर भी इतना साल रूल करने वाला अहम डायनेस्टी का कहानी थोड़ी ना इतनी जल्दी ख़त्म हो सकते हैं ना। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए द राइज ऑफ अहम डायनेस्टी का पार्ट 4 लाऊंगा जो कि किसी अहम राजाओं के लाइफ हिस्ट्री से होगा। कुछ अनकही बातें सिर्फ किताबों में होता है। मैं ये सब ए हिस्ट्री ऑफ असम के नाम से एक किताब से अनुवाद करके बोल रहा हूँ अपने ही शब्द में। आशा करता हूँ आप लोग इसे सुने और हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त लोगों में शेयर करना मत भूलना क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा व्यूवर्स बढ़े ताकि मुझे और अच्छा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे चलते चलते। जॉय आया होम।